हाय फ्रेंड्स, मैं निकिता। आज मैं एक पूजा की थालपोश बनाना बताऊंगी। ये काफ़ी आसान सी थालपोश है बनाने में, और ये इसके कलर भी काफ़ी रंग बिरंगे कलर्स इसमें डाले हैं। पूजा की थाल के लिए काफ़ी खूबसूरत लगती है ये। इसे आप बनाना चाहें तो बिल्कुल एक दिन में आराम से बना सकते हैं। इसमें मैं दो कलर यूज़ की हूँ, एक वाइट और एक रेड। और इसके जो मैंने झालर लगा है वो मल्टी कलर्स हैं, जो इसकी खूबसूरती को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। इसे बिल्कुल बीच से शुरू की हूँ। यहाँ पर सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं, फिर उसके बाद दो रो इसमें वाइट की देंगे, उसके बाद एक रो सर्किल रेड की देते हैं, उसके बाद फिर चार पंक्तियाँ वाइट की हैं और ऊपर की चार पंक्तियाँ रेड की हैं। बस इतना ही बुनने के बाद फिर इसमें फ्रिल लगाएंगे। फ्रिल इसमें मैंने मल्टी कलर्स दिए हैं, जो काफ़ी खूबसूरत दिखती है ये। तो सबसे पहले देखते हैं इसे कैसे शुरू करेंगे। यहाँ पर पहले इसकी सर्कल बनाते हैं, उसके लिए स्लिप नॉट से एक फंदा बनाएंगे और चेन लेना शुरू करते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, यहाँ पर पूरे पांच चेन लेंगे और फिर पहले वाले चेन को इसे बांध लेते हैं इस ढंग से, तो ये एक सर्कल बन जाएगी। और अब फिर से यहाँ पर दो चेन लेंगे और इसके अंदर डबल क्रोशिया यानी डबल लॉन्ग से इस गोल सर्कल को भरेंगे। इसमें पूरे मैंने 21 डबल क्रोशिये इसमें बनाई हूँ। 21 बार डबल लॉन्ग बनाएंगे तो ये सर्कल भर जाएगी। ये थालपोश 4-ply यार्न से बनाई हूँ। थालपोश के लिए बहुत अधिक मोटी यार्न अच्छी नहीं होती है, थोड़ी नॉर्मल मोटी हो, जैसे 4-ply आप जितना मोटा इसमें देख रहे हैं वो हो, या और पतली भी हो, 3-ply यार्न से भी आप बना सकती हैं। यहाँ पर पूरे 21 डबल क्रोशिए 21 डबल क्रोशिए बनाने के बाद इसे बांध लेते हैं राउंड में। ये राउंड से बिल्कुल बांधने के बाद अब यहाँ पर 6 चेन लेंगे यहाँ पर। उसके पहले एक बार मैं यहाँ पर समझा दे रही हूँ कि ये राउंड चेन यहाँ पर लेने के पहले ये 6 बॉक्स बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पर 6 चेन पहले लेते हैं। छः चेन लेने के बाद 3 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, 3 डबल लॉन्ग छोड़ के चौथे वाले डबल क्रोशिए के ऊपर इसे बांध लेते हैं इस ढंग से, बिना फंदा लिए ही बांधेंगे। फिर से 6 चेन लेंगे, बीच का 3 बॉक्स छोड़ देंगे चौथे वाले बॉक्स में, फिर से बिना फंदा लिए इसे बांध लेते हैं। ठीक इसी ढंग से करते हुए ये पूरे 6 बॉक्स तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने गिनकर 21 डबल क्रोशिया से इसे भरी हूँ बीच वाले सर्कल को, ताकि गिनती से ये बिल्कुल सिमेट्रिकल 6 बॉक्स बन जाए। हर 3 डबल क्रोशिए के बाद चौथे में इसे बांध लेती हूँ तो बिल्कुल एक जैसी ये सिमेट्रिकल दिखेगी।
छः चेन देखिए लास्ट में भी लेने के बाद ये जो पहला वाला जहाँ पर से शुरू की हूँ वहीं पर इसे क्रोशिए को डालकर बिना फंदा लिए इसे बांध लेते हैं इस तरह से। बिल्कुल एक जैसी देखिए ये छः बॉक्स बन गई है। अब हर बॉक्स में इसे डबल क्रोशिए से भरेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूरे 9 डबल क्रोशिया डाली हूँ एक एक बॉक्स में। यहाँ पर इसे सबसे पहले फर्स्ट वाले बॉक्स में इस ढंग से बांध लेते हैं बिना फंदा लिए हुए। और अब दो चेन लेंगे। दो चेन लेने के बाद पहला डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर से दूसरा डबल क्रोशिया और इस ढंग से पूरे 9 डबल क्रोशिया बुन लेंगे। पूरे 9 डबल क्रोशिया यहाँ पर कंप्लीट हैं। अब इसे इन दोनों के बीच में यहाँ पर देखिए इस वाले चेन में इसे पहले बांध लेते हैं ताकि ये बिल्कुल गोल सी दोनों ओर बिल्कुल एक शेप आ जाए। और अब फिर से यहाँ पर दो चेन लेते हैं और पहला डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद दूसरा, तीसरा और इस ढंग से इसमें भी पूरे 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 9 डबल क्रोशिया इसमें भी बनाएंगे। इस तरह से पूरे 9 होने के बाद इसे भी दोनों बॉक्स के बीच में बांध लेते हैं ताकि ये गोल शेप इसकी भी साइड में हो जाए। इस तरह से दो बन गए। अब तीसरे वाले बॉक्स में भी सबसे पहले दो चेन लेते हुए यहाँ पर देखिए कहाँ पर मैं इसे बांधूंगी वो ठीक से बता रही हूँ। दो चेन के बीच वाले बॉक्स में इसे हर बार बांधेंगे। अब फिर से दो चेन और पूरे 9 डबल क्रोशिया इसमें भी बनाएंगे। इस तरह से पूरे 6 बॉक्स को डबल क्रोशिया से भर लेंगे। हर बॉक्स में 9 डबल क्रोशिया होंगे। यहाँ पर इसे बांध लेते हैं। इसे हमेशा सिंगल क्रोशिए से ही बांधेंगे और फिर से दो चेन लेकर इस वाले बॉक्स में भी 9 डबल क्रोशिया बुनेंगे। यहाँ तक इसे बुनकर फिर से बांध लेते हैं। यहाँ पर 3 बॉक्स में बना चुकी हूँ, बाकी के 3 में भी इसी ढंग से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए मैं सारा बना चुकी हूँ, सिर्फ लास्ट में आपको बताऊँगी इसे कैसे जोड़ना है।
ठीक जहाँ पर से शुरू की थी वहीं पर इसे सिंगल क्रोशिए से जोड़ देंगे। बस ये दो रो वाइट से कंप्लीट है, ये बीच का सर्कल बन गया है दो रो। इसे अब काट लेते हैं कैंची से और वाइट धागे को हटा लेंगे और साथ ही इस धागे की फिनिशिंग से इसे अंदर भी कर लें, क्योंकि बुनाई के साथ साथ धागे की फिनिशिंग भी ज़रूर कर देनी चाहिए। तो ये बाद में ये आपको अलग से नहीं करना होगा और ये काफ़ी खूबसूरत दिखती है। फिर बाकी बचे धागे को काट लेंगे। यहाँ पर ये राउंड वाला सर्कल बन गया है जिसमें देखिए छह बॉक्स के ऊपर मैं ये बनाई हूँ। ये हाफ सर्कल ये भी इसमें बन गई है। अब ऊपर में ये रेड वाला सर्कल बनाकर दिखाऊंगी। इसमें भी ठीक उसी तरह से छह बॉक्स बनाते हैं चेन से, जैसा कि नीचे वाइट में बनाई थी। बस वाइट वाला छोटा था, रेड वाला थोड़ा बड़ा बनेगा। रेड कलर के यार्न से किसी भी एक पंखुड़ी में यहाँ पर बिल्कुल मिडिल में इसे डाल लेते हैं फंदे को और पूरे 11 चेन बनाएंगे, 11 चेन। ग्यारह चेन बनने के बाद दूसरी वाली पंखुड़ी के बिल्कुल मिडिल में इसे हाफ क्रोशिए से, सिंगल क्रोशिए से बांध लेते हैं। फिर से 11 चेन लेंगे। नेक्स्ट पंखुड़ी में भी इसे बिल्कुल मिडिल में बांध लेते हैं और इस तरह से फिर 11 चेन लेकर अगली पंखुड़ी में बांधते जाएंगे और ये पूरा 6 बॉक्स बनाएंगे इस ढंग से। यहाँ पर लास्ट में फिर से मैं बना कर एक बार दिखा रही हूँ, ये पूरे 5 बन गए हैं। ये लास्ट और 6th है, जहाँ पर से शुरू की थी वहीं पर इसे भी सिंगल क्रोशिए से बांध लेंगे। ये पूरे 6 बॉक्स 6 बॉक्स कंप्लीट हैं। अब इसके अंदर ये डबल क्रोशिए से इसे पूरा बुनेंगे। यहाँ पर अगर मैं गिन कर बताऊँ तो ये पूरे 13 डबल क्रोशिया हैं, 13 डबल क्रोशिया बुनेंगे एक बॉक्स के अंदर। यहाँ पर दो चेन लेकर बॉक्स के अंदर एक डबल क्रोशिया, फिर से दूसरा, साथ में पीछे वाले धागे को भी इसी के अंदर फिनिशिंग से बुन लें और ये पूरे 13 डबल क्रोशिया बुनेंगे। रिटर्न पैटर्न के लिए मेरी ब्लॉग शिल्पी गारमेंट्स पर ज़रूर विज़िट करें, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ। इसके साथ ही अगर आप स्वेटर्स की डिज़ाइन देखना चाहते हो तो मेरी वेबसाइट bunai.com पर ज़रूर जाएं, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ। मेरी वेबसाइट पर आप किसी भी स्वेटर की ऑर्डर भी दे सकती हैं। अब यहाँ पर इसे भी उसी ढंग से दोनों बॉक्स के बीच वाले चेन में बांध लेंगे। अब नेक्स्ट बॉक्स बिल्कुल उसी तरह
जैसा कि पहला वाला बनाई हो। दो चेन लेने के बाद फिर से अगले बॉक्स में 13 डबल क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से हर बॉक्स में 13 डबल क्रोशिया बुन लेंगे। जैसे देखिए मैं यहाँ पर इसे बनाकर रखी हूँ, ये लास्ट वाला ठीक वहीं पर बांधेंगे जिस जहाँ पर पहला शुरू की थी। ये यहाँ तक कंप्लीट है। अब इसके बाद वाइट कलर से ऊपर चार पंक्तियाँ बनेगी। यहाँ पर रेड वाले धागे को अब हटा लेते हैं, इसे काट कर ठीक उसी ढंग से फिनिशिंग कर लें जैसा वाइट में बताई हूँ। यहाँ पर ये रेड वाला सर्कल बन गया है। अब इसके बाद ये पूरी रो वाइट कलर से बनाऊंगी। यहाँ पर मैं फिर से दिखाती हूँ, रेड वाले पूरी छह बॉक्स बनी है। उसमें पहले हर बॉक्स में तीन तीन बॉक्स बनेंगे वाइट से। अभी मैं बनाकर बताऊंगी इसे कैसे बनाते हैं। हर दोनों बॉक्स के बीच में, वाइट वाले बॉक्स के बीच में चेन है, एक एक चेन है फर्स्ट वाले रो में, और बीच के दो डबल क्रोशिए के बीच में भी एक एक चेन है। यहाँ पर बिल्कुल मिडिल में वाइट वाले यार्न को लगाएंगे और इधर से तीसरे वाले में, यहाँ पर ये पूरे 13 डबल क्रोशिया बनाई हूँ एक बॉक्स में, इसलिए 6 इधर और 6 इस ओर, दोनों ओर छोड़ने के बाद बिल्कुल मिडिल वाले पॉइंट पे एक बॉक्स बनाएंगे। एक बॉक्स इस तरफ तीसरे वाले डबल क्रोशिए पे बुनेंगे और इस तरफ भी तीसरे वाले डबल क्रोशिए पर काम शुरू करेंगे। यहाँ पर तीन डबल क्रोशिए के ऊपर तीसरे वाले डबल क्रोशिए के ऊपर सफ़ेद यार्न को लगाते हैं और दो चेन लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया उसी बॉक्स में, एक चेन लेंगे, फिर से उसी में दो डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये बॉक्स कंप्लीट होने के बाद चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से दो डबल क्रोशिया बुन के एक चेन लेंगे और फिर से उसी बॉक्स में दो डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये दो बॉक्स कंप्लीट है, फिर से एक चेन लेंगे और यहाँ पर फिर से दो डबल क्रोशिया बुनेंगे, एक चेन और दो डबल क्रोशिया। ये देखिए अब एक ही रेड वाले बॉक्स के ऊपर तीन वाइट बॉक्स बन चुकी है। इस तरह से पूरी छह रेड बॉक्स बनी है। हर रेड बॉक्स के ऊपर तीन तीन डबल क्रॉस, तीन तीन वाइट बॉक्स बनाएंगे और हर बार एक चेन लेकर फिर यहाँ पर अगली वाले बॉक्स में बुनना शुरू करते हैं। इसके ऊपर भी ठीक उसी तरह बनाएंगे जैसा कि इसके पहले तीन वाइट बॉक्स बनाई हूँ।
यहाँ पर ये पूरी पंक्ति मैं बना चुकी हूँ। लास्ट में इसे वहीं पर जोड़ लेंगे जहाँ पर पहला बॉक्स बनाई हूँ, उसके बिल्कुल किनारे वाले छोर में इसे हाफ, इसे सिंगल क्रोशिया से बांध लेते हैं। ये फर्स्ट रो पूरी कंप्लीट है वाइट से। अब सेकेंड रो बनाएंगे। यहाँ पर एक बार फिर से बता रही हूँ, सेकेंड रो भी ठीक इसके ऊपर ही बनेगा जहाँ पर चार डबल क्रोशिया के बीच में जो चेन ली हूँ उसके बीच में हर बार इसे बनाते जाएंगे। यहाँ पर बीच में लाने के लिए पहले सिंगल क्रोशिया से इसे बांध लेते हैं और फिर से बीच वाले बॉक्स में सिंगल क्रोशिया से एक बार बांध लेंगे। फिर दो चेन लेते हैं। दो चेन लेने के बाद यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया होंगे पूरे, फिर एक चेन लेंगे, फिर से तीन डबल क्रोशिया। जब भी शुरू करते हैं तो दो चेन को एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। इस तरह दोनों ओर तीन तीन डबल क्रोशिया हैं। अब एक चेन लेते हैं और फिर से इसके बीच में तीन डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर से एक चेन लेंगे और तीन डबल क्रोशिया उसी बॉक्स में। इस तरह से ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। अब थर्ड रो, ये सेकेंड रो बनाने के बाद अब थर्ड रो बनाएंगे। तीसरी पंक्ति बिल्कुल दूसरी पंक्ति की तरह ही बनेगी, सिर्फ अंतर ये होगा कि छह डबल क्रोशिया जो बनाई हूँ उसके बीच में एक चेन के बदले मुझे दो चेन लेना है। यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर से तीन डबल क्रोशिया, ये मैं बनाकर भी यहाँ पर दिखा रही हूँ। थर्ड रो में जो बॉक्स मैं बनाऊंगी वो इस तरह से बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर दो चेन लेते हैं और फिर से उसी बॉक्स में तीन डबल क्रोशिया। ये एक बॉक्स थर्ड रो की कंप्लीट है। इसके बाद ये यहाँ पर थर्ड रो पूरा बना चुकी हूँ वाइट का। इसमें सब में देखिए दो दो, ये तीन तीन डबल क्रोशिया के बीच में दो दो चेन है और ये बीच में एक ही चेन है। ये पूरी रो इसी ढंग से कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट में ठीक उसी ढंग से इसे बांध लेते हैं जो पहला वाला बॉक्स बनाई हूँ, जैसा कि हर पंक्ति में मैंने बांधा है। इस ढंग से हर पंक्ति में गोलाई करेंगे और नेक्स्ट रो शुरू करने के पहले सिंगल क्रोशिया से इसे बांध लेते हैं, जैसा अभी मैं बांध कर दिखाई हूँ एक बार। फिर दूसरी बार में बीच वाले होल में उसे बांध लेंगे और फिर दो चेन लेते हैं। ये प्रोसेस हर बार आपको करना है जब भी नया रो स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको फोर्थ रो बताऊंगी। फोर्थ रो में देखिए ये बीच में भी दो चेन है और इन दोनों के बीच में भी दो दो चेन है। ये पूरी पंक्ति उसी ढंग से बुन लेंगे। यहाँ पर ये भी मैं थोड़ा सा बना कर दिखा रही हूँ।
यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया लेते हैं, फिर 2 चेन लेंगे, यहाँ पर 4th रो में 2 चेन लेंगे, बिल्कुल तीसरी पंक्ति की तरह। फिर से 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पर वाइट की 4th रो पूरी इसी ढंग से बुनकर कंप्लीट करेंगे। वाइट कंप्लीट होने के बाद अब रेड से 4 पंक्तियाँ बनाएंगे। रेड में भी बिल्कुल वाइट के 4th रो की तरह ही 3-3 डबल क्रोशिया के बीच में 2 चेन देकर उसे बुनेंगे और यहाँ पर 1 चेन लेंगे। फिर वाइट वाले में 2 चेन ली थी, यहाँ पर अभी 1 चेन लेंगे, सिर्फ बीच में 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 1 चेन। इस तरह से बुनते हुए 1st रो रेड की पूरी कंप्लीट करते हैं। रेड की अब 2nd रो, 2nd रो में भी बिल्कुल 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, बीच में इसके 2 चेन लेंगे। फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 चेन लेंगे। फिर 2 चेन लेने के बाद फिर से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, इस ढंग से बुनते हुए 2nd रो भी कंप्लीट करेंगे। अब 3rd रो, 3rd रो रेड कलर से शुरू में देखिए 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर से 4 डबल क्रोशिया और फिर से 2 चेन। बस इसी ढंग से पूरी रो को बुनेंगे। देखिए यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बुनी हूँ, फिर से 2 चेन और फिर से 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इस ढंग से बुनकर 3rd रो रेड कलर से कंप्लीट करेंगे। 4th रो में 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 4 डबल क्रोशिया और इन दोनों के बीच में अब यहाँ पर 3 चेन लेंगे। 3 चेन इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर मुझे ये फुदने बनाने हैं, यहाँ पर फुदना बनाएंगे, इसलिए यहाँ पर 3 चेन लेते हैं। और हर 3 चेन वाले बॉक्स में यहाँ पर अलग अलग कलर के फुदना बनाकर लगाते हैं। ये थालपोस में ये झालर लगाने से इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। इसमें हर बार देखिए ये 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर से 4 डबल क्रोशिया, उसके बाद 3 चेन, इस ढंग से बुनते हुए ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। और चारों ओर इसमें जो झालर लगाई हूँ उसमें मैं हर कलर को यूज़ की हूँ जिससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ती है। इसमें जहाँ पर मैं येलो लगाई हूँ वहाँ पे कोशिश कर रही हूँ ठीक उसके सामने येलो लगाऊँ। ये पूरे में अधिकतर इसी ढंग से कलर कॉम्बिनेशन करके लगाई हूँ। अब यहाँ पर मैं बनाकर बता रही हूँ कि वो बॉक्स कैसे बनाएंगे जहाँ पर झालर लगाते हैं। यहाँ पर देखिए शुरू में मैं 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया बनाई हूँ। अब इसके बीच में 3 चेन लेते हैं और फिर से अगले बॉक्स में 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे। अब 2 चेन लेते हैं और फिर से 4 डबल क्रोशिया,
ये इस ढंग से देखिए बनकर तैयार है। ये लास्ट रो इस ढंग से ही पूरी सर्कल बनाएंगे और इसके बीच में अब झालर कैसे लगा रहे हैं वो आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैं थोड़ी सी मोटी झालर लगाई हूँ और इसे यहाँ पर बांधी हूँ। इसकी लंबाई देखिए, इतनी बड़ी लंबाई बनाने के लिए ये 4 अंगुलियों में मैं इसे लपेटूंगी, जिसमें पहला छोर बीच वाले अंगुली में अंगूठे से दबा लेंगे और ये पूरे 15 बार इसे लपेटते हैं। पंद्रह बार लपेटने के बाद इस धागे को काटेंगे नहीं, इसे इस ढंग से पकड़कर इसका एक छोर इसके अंदर ऐसे डाल लेते हैं और दूसरे वाले छोर को ऊपर से मिलाकर दोनों छोर को नीचे पकड़ लेंगे मजबूती से, ताकि ये बिल्कुल एक जैसी हो जाए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और इसके पीछे जो ऊन लगी हुई है इसी से इसे बांधते हैं। इसे बांधने का तरीका देख लीजिए, इस ढंग से आप झालर लगाएं, ये काफ़ी जल्दी भी लगती है और बहुत आसान है और मजबूती भी होती है इसमें। अब यहाँ पर इसे 3 से 4 बार लपेट लीजिए बिल्कुल टाइट से और फिर इसे 4 अंगुलियों में ऐसे घुमाकर लपेट लेते हैं और इसके अंदर डालकर इसे बांध लेंगे। फिर से इसे 2 बार लपेट लेंगे और उसी ढंग से फिर से एक बार और बांध लेते हैं और इस छोर को थोड़ा लंबा करके नीचे तक जो लटक सके वहाँ पर काट लेंगे। बस इस ढंग से ही हर थोड़ी थोड़ी दूर पर जहाँ पर 3-3 चेन ली हूँ वहाँ पर इस फुदने को बांध लें और फिर इसे बराबर से काट लेते हैं। सबसे पहले इसके बंद छोर को काट लेंगे ताकि वो खुल जाए, ये सारा बंद छोर है इसे काट लेते हैं इस ढंग से और फिर उसे बराबर कर लेंगे। बराबर चार इसे चारों ओर से एक जैसा करके फिर जो बड़े और छोटे भाग हैं उसे एक समान काट लें। इस ढंग से जितने भी झालर लगाए हों सबको एक बराबर से मिलाकर काट लेंगे। जैसे ये थोड़ा ऊंचा और नीचे लंबा और छोटा है तो इसे भी बराबर से काट लेंगे। बस ये थालपोश तैयार है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।